हाँ तो गाइस आज हम जा रहे हैं उबेस भाई के कहने से दिल्ली से आए हैं हम। लेकिन उबेस भाई का ये कहना है कि ये जो है वो असलम चिकन वाले से ज़्यादा लजीज और सस्ता चिकन टिक्का। तो देखते हैं इनकी बात में कितना एकदम, क्योंकि ये बनना है बाजीराव सिंघम। तो चलते हैं। क्यों उबेस भाई, कुछ कहना चाहोगे कि जी वाकई जी बिल्कुल ये बात हकीकत है या ये बात झूठ है, वो तो वहीं जाके बिल्कुल पता हकीकत चलेगी, बात क्योंकि है। आपने हमें आप दिल। टेस्ट करना, उसके बाद आप बताना। ठीक है, टेस्ट तो हम करेंगे ही और तभी बताएंगे, क्योंकि ये कहने का मकसद ये है कि अफजलगढ़ का चिकन बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और प्लस जायका इतना है कि असलम को इसमें कॉम्पिटिटर बनाया गया है, मतलब असलम चिकन वाला वर्सेस अफजलगढ़। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी हम चल ही रहे हैं उवेश भाई के साथ। तो गाइज हम पहुंचने वाले हैं उबेस भाई के चिकन वाले के पास, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी हमने सब इनको बड़ी छोड़ दिया है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इनके पास, नेशनल चिकन पॉइंट है इनका नाम। तो देखते हैं इनके पास से खा के क्या होता है क्या नहीं होता है स्पेशल। तो ये स्टार्ट हो रहा है इनका चिकन टिक्का। ये भी हैं, ये भी हैं, और ये भैया बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हो भैया? ये टिक्का बनना है। कितने रुपए का है टिक्का आपके पास? 160 रुपये का हाफ। 160 रुपये का हाफ। ये भैया हैं ये अफजलगढ़ में। ये क्या बनना है भैया? ये चिकन कबाब। ये चिकन कबाब। ये कबाब कितने का है? 100 रुपये के चार। तो ये ग्रेवी के साथ होते हैं, 100 रुपये के चार। और इधर क्या बनना है? ये क्या है भैया? ये सारा सामान रख रखा है। हाँ तो उबेस भाई आप क्या खिलवाओगे भैया, क्या खिलवाएंगे, क्या बेस्ट है भैया आपके पास? फेमस चीज़ क्या है ताकि कस्टमर आपके पास ज़्यादा आए, क्योंकि मैं आया हूँ दिल्ली से। अफगानी फेमस अफगानी। आपका चिकन टिक्का कैसा है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है तो चिकन टिक्का ही खा लें, आपके कहने से खा लें पक्का। तो ठीक है, भैया की फरमाइश के साथ, हालांकि हमारे उबेस भाई जो हैं इनकी भी फरमाइश थी चिकन टिक्का की, और ये बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है यहाँ पे। तो देखते हैं चक्के और खा कर के कैसा इसका जायका होता है क्या होता है। ठीक है भैया, स्टार्ट करें, कैमरे में देख के बोलो। ओके भाई। जी शारिक भाई बताइए कैसा लगा आपको? उबेस भाई अगर सच सच अगर मैं बताऊं, चिकन टिक्का अफजलगढ़ का जैसे कि मैंने खाया है दिल्ली के अंदर असलम के पास, कोई भी अंतर नहीं था, और मैं मानता हूं कि जायका और ज़्यादा ही था। पैसे सबसे, एक तो सबसे पहली बात के पैसे कम हैं, 160 रुपये में आपको मिल रहा है ये। और हमने फिर उसके बाद कबाब भी खाए, लेकिन उसका हमने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उसमें हमें जाने में भी हमें देर हो रही है घर, तो हम काफ़ी लेट हो।